वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज की फोटो एडिटिंग काफी क्रिएटिव एंड यूनिक होने वाली है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस एडिटिंग को सीखने के लिए प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, जब भी आप एक परफेक्टली एडिटिंग कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको ऐड फोटो में अपनी फोटो ऐड करनी है, जिसका मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव किया है। अगर आपको भी एक क्लिक में बैकग्राउंड एचडी रिमूव करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीख लेना। अब आपको इफेक्ट में जाना है, सिंपली क्लिक करेंगे और इसमें कलर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी जैकेट का कलर हम रेड कर लेंगे, हमारा ब्लू कलर है तो रेड कर लेंगे हम। लास्ट पर जाके फोटो को थोड़ा जूम करेंगे, जिससे कि हमें क्लियर दिखे। अब लास्ट कर देंगे एक पॉइंट को, जिससे कि हमारी जैकेट का कलर रेड हो जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर लेना, आपको ऊपर डन बटन दिख रही होगी, सिंपली उस पर एक क्लिक करके इस फोटो को कर लेंगे डन। देख सकते हो हमारी जैकेट एकदम डार्क रेड नहीं हुई, इसको हम नेक्स्ट एप्लीकेशन से रेड कर लेंगे। तो आपको जाना है, तो आपको टूल बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद एडजस्ट पर क्लिक करना, ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेना। ब्राइटनेस को आप अपनी फोटो के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, 25 कर देंगे इंक्रीज। तो डिटेल को भी हम इंक्रीज करेंगे, तो इसको हम 22 कर लेते हैं इंक्रीज, जिससे कि हमारी फोटो में काफ़ी अच्छी डिटेल आ जाएगी। अब फोटो को सिंपली आपको करना है ड्रॉ टूल में जाके सेव। तो ड्रॉ पर करते हैं क्लिक, अब फोटो को कर लेते हैं सेव। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है लाइटरूम। तो लाइटरूम में जाने के बाद आपको सबसे पहले लाइटिंग एडजस्ट करनी है। तो शेडो को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, वाइट को थोड़ा माइनस करेंगे। अब हम जाते हैं कलर में, तो कलर आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने हैं। ऑरेंज कलर की लैमुलेंस इंक्रीज कर लेना, रेड कलर की सैचुरेशन इंक्रीज कर लेना। तो जैसे सारे कलर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, उसी तरह आप एडजस्ट कर लेना। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, जब भी आप परफेक्टली एडिटिंग कर पाओगे। आपको वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई है, एकदम ईजी तरीके से, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। तो कलर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। कलर एडजस्ट करने के बाद इसका वाइब्रेंस आपको ध्यान से इंक्रीज करना है, वाइब्रेंस आपको जरूर इंक्रीज करना है इसका। और टेम्परेचर टिंट भी थोड़ा थोड़ा माइनस या इंक्रीज कर लेंगे हम, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर को माइनस कर देंगे और टिंट को इंक्रीज कर देंगे। कलर एडजस्ट करने के बाद अब हम जाएंगे क्लियरिटी में, इसके टेक्सचर और क्लियरिटी हम बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारी फोटो में काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। और मुझे कमेंट में एक और बात बताना कि आपको एडिटिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगता है। तो इतना करने के बाद फोटो को हम सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। हमारा लाइटरूम का काम खत्म हो गया है, इसलिए फोटो को कर लेते हैं सेव और नेक्स्ट एप्लीकेशन में चलते हैं, जिसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी अच्छा ऐप है। को रेड कलर चॉइस करना है और रेड कलर अपनी जैकेट पे कर लेना है, जिससे कि हमारे बैकग्राउंड में मैच हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी मैंने फास्ट कर दी है, अगर वीडियो फास्ट नहीं करता तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। तो आप भी अपनी जैकेट या टी शर्ट में रेड कलर कर लेना, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एडजस्ट होने के बाद लेयर बटन पर करेंगे क्लिक, जो आपको ऊपर की साइड दिख रही होगी, तो सिंपली एक क्लिक करते हैं उस पर और नेक्स्ट लेयर पर जाते हैं। इसका ब्लेंड मोड कर लेते हैं हम, ओवरले ऑपेसिटी थोड़ी इसकी माइनस कर देंगे हम, जिससे कि हमारी फ़ोटो में काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो ऑपेसिटी थोड़ी मैंने माइनस कर दी है, तो आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, जब हम अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो हमारे हेयर भी रिमूव हो जाते हैं कहीं कहीं से, तो हेयर बना लेते हैं। सिंपली हम ये वाला ब्रश सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज कुछ इस तरीके से कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो जैसे मैं हेयर बना रहा हूँ उसी तरह से आप सिंपल बना सकते हो हेयर। अगर इससे पहले आपने हेयर बनाया नहीं है तब भी आप बना सकते हो, एक दो बार मिस्टेक होगी पर थर्ड टाइम आप सही कर लोगे हेयर। सिंपली आप इस टाइप से हेयर बना लेना अपने। अगर आप प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो फोटो में थोड़ा टाइम दिया करो, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी एडिटिंग की और बस कंप्लीट कर दिया। अगर आप प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो तो फोटो को अच्छे से एडिटिंग किया करो, एक एक पॉइंट समझ के एडिटिंग किया करो कि इस पॉइंट में हमारी ये गलती है, हमारी फोटो की लाइटिंग अच्छी नहीं है। लाइटिंग सबसे पहले एडजस्ट करना है आपको, अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हो। एक छोटे पॉइंट से भी हमारी एडिटिंग खराब हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, जिसका नाम है स्नैपसीड। आप सभी के मोबाइल में ऑलरेडी होगा जो जो एडिटिंग करते हैं। अगर आपके मोबाइल में स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम सैचुरेशन इंक्रीज कर देंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब जाएंगे कर्वस पर और अपनी शैडो बनाएंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन आप कर लेना लैमुलेंस और उसको माइनस कर देना कुछ इस तरीके से। नीचे डन बटन पर क्लिक करके डन कर लेना। व्यू एडिट में से जाके कुछ इस तरीके से शैडो बनानी जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो ब्रश का साइज आपको 25 रखना है मिनिमम 25 ईयर, तो 25 ही रखना है आपको। 100 नहीं करेंगे, 100 में मिस्टेक हो जाएगी हमारी, तो इसको रॉन्ग कर लेते हैं हम। 25 सही है, तो देख सकते हैं क्लियरली हमारी शैडो बन रही है एक क्लिक में। तो 25 ही हम करेंगे, तो कुछ इस तरीके से शैडो बना लेना, जिससे कि हमारी फोटो देखने में काफ़ी रियल लगेगी। शैडो बनाने के बाद नीचे डन बटन दिख रही होगी, सिंपली उस पर एक क्लिक करेंगे, फोटो को डन कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, एडिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको विंटेज ऑप्शन पर जाना है, जो कि आपको शो हो रहा होगा। और लास्ट ऑप्शन 12 ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। स्टाइल थोड़ी इसकी लो कर देंगे हम, विंटेज भी थोड़ा लो कर देंगे हम इसका कुछ इस टाइप से।
ब्राइटनेस थोड़ी माइनस करेंगे। फोटो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज के लिए बस इतना ही। और ऐसी न्यू क्रिएटिव एडिटिंग एंड सीरियल आइडिया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।